नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे मोर पंख से होने वाले फ्लाप के बारे में। दोस्तों अगर छोटा बच्चा जिद्दी है तो उसे प्रतिदिन मोर पंख से हवा देने पर उसकी जिद शांत होगी। बार बार बच्चे को नज़र लग जाती है तो भी यह प्रयोग करें, बच्चों की नज़र से बचा रहेगा। मोर पंख को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। आपके घर की पूजा स्थान में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के पास मोर पंख रखें। प्रतिदिन पूजा के समय मोर पंख को स्पर्श कर देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। उम्मीद है दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर यह वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।